बात। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, साइन पी बराबर तीन बटे चार, तो कॉस पी और टेन पी, कॉस पी और टेन पी की मान ज्ञात करें, ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपने बताया था इसमें पाइथागोरस प्रमेय का भी मुख्य रोल है, मुख्य भूमिका है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसके हल के लिए, तो साइन पी के लिए हम ट्रायंगल बनाएंगे, कोण बनाएंगे, कोण का मतलब समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, पी क्यू और आर। हमने पी क्यू वाले समकोण त्रिभुज बना लिया और साइन पी के लिए, साइन पी तो साइन का अनुपात होता है लंब बटे कर्ण, साइन का जो अनुपात हमने बताया था वो तो लंब बटे कर्ण बताया था जो दूसरा था, तो लंब हमारा 3 दिया हुआ है, कर्ण 4 दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, हमें जो निकालना है आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, फिर वो जो पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय करने पर, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर हम क्या निकालेंगे, आधार। आधार के लिए फॉर्मूला है हमारा, आधार बराबर अंडर रूट करण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग चाचा 16 माइनस 3 किया नौ, 16 में से 9 गए तो 7, अंडर रूट 7 आ गया हमारा क्या, आधार। आधार जो आ गया हमारा अंडर रूट 7 आ गया। अब हमें दो मान निकालने हैं, कॉस पी और टेन पी। तो हमारा कॉस पी बराबर आधार बटे कॉस का जो अनुपात है हमारा आधार बटे करण। अब आधार कितना हमारा अभी निकाला हमने अंडर रूट 7/4 और टेन, टेन की बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना हमारा 3, आधार कितना है अंडर रूट 7 निकाला हमने 3/ अंडर रूट 7। ये दोनों मान हमने ज्ञात कर लिए, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें थोड़ा सा इसको अलग से दिया हुआ है, थोड़ा अलग भी नहीं है, ऐसा ही है। इसमें दिया हुआ 15 cot A = 8, तो ये दिया हुआ है, वो साइन ए और सेक ए का मान क्या,
साइन ए और सेक ए का मान क्या होगा। अब ये 15 कोण के बराबर 8 दिया हुआ है तो हमको कोण ए का मान निकालना है। 15 कोण ए बराबर 8 दिया हुआ है तो कोण ए के लिए क्या होगा, कोण ए बराबर 8/15 तो हमारा त्रिभुज आराम से बन जाएगा। कैसे? अब कोण ए की जो अनुपात था निष्पत्तियों में कोटे बराबर होता है हमारा आधार बटे लंब, आधा 8 लंब 15 तो हमें क्या निकालना है, करण निकालना है। करण के लिए हम वही पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से करण निकालना है तो करण का फॉर्मूला करण बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये हमारा फॉर्मूला होगा। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब कितना हमारा 15 और आधा 8, 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, 15 का वर्ग करा हमने 225, 8 का वर्ग कर लिया 64। अब इनको जोड़ लिया क्या आ गया 289। 289 किसका वर्ग होता है, 289 किसका वर्ग होता है, 17 का वर्ग होता है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 17। अब करण का मान आ गया हमारा 17, करण हमने 17 निकाल लिया तो हमें दो मान याद करने हैं, एक तो हमें करना है साइन ए और दूसरा करना है सेक ए। तो साइन ए बराबर लंब बटे करण, और लंब कितना हमारा 15, करण कितना आया 17, तो 15/17 साइन ए की वैल्यू आ गई। अब दूसरा क्या है, सेके कोस ए का उल्टा होता है, यह आ गया करण बटे आधा, करण बटे आधार, करण कितना आया हमारा 17, आधा कितना है 8, तो सेके की वैल्यू आ गई 17/8। यही दोनों हमें ज्ञात करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है और टेन ए बराबर 1/√3 है। टेन ए बराबर 1/√3 है दिया हुआ है तो इसमें हमें मान ज्ञात करना है। यदि क्वेश्चन नंबर 4, टेन ए बराबर 1/√3 तो साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी माइनस कॉस ए साइन सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये मान ज्ञात करना है। एक समीकरण के रूप में दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें टेन ए के लिए त्रिभुज बनाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके, उसकी जो भुजा है हमारी वो ज्ञात करनी होगी तीसरी भुजा। तो इसके हल के लिए सबसे पहले
समकोण त्रिभुज बनाएंगे, टैन ए के लिए ए बी सी, टैन ए बराबर लंब बटे आधार, लंब ए आधार अठारह तीन, क्या निकालना है हमें त्रिभुज, तो त्रिभुज बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग इसका अंडर, लंब कितना है एक प्लस आधार तीन का स्क्वायर इसका, तो एक प्लस तीन या गया चार, चार का वर्गमूल दो, तो त्रिभुज का मान जो आ गया वो दो आ गया, त्रिभुज का मान दो आ गया, तो साइन ए और कॉस सी और कॉस ए और साइन सी। अब देखिए अब जब एंगल बदला हुआ आ रहा है, ए का मान ए के लिए हमारे लिए आधार है और ये लंबाई के कारण, तो कॉस सी के लिए या साइन सी के लिए एंगल सी के लिए हमारे मान बदल जाएंगे, ये आधार हो जाएगा सी के लिए, ये आधार और ये लंब, करण वही रहेगा। तो अब सबसे पहले हम इन चारों को मिलानेंगे, तो साइन ए बराबर लंब बटे करण, लंब हमारा है बी सी बटे ए सी, अब बी सी का मान कितना है एक और ए सी का मान दो, इसी प्रकार कॉस ए बराबर आधार बटे करण, अब आधार कितना हमारा ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी, ए बी का मान अंडर रूट तीन बटे दो, तो कॉस ए का मान आ गया अंडर रूट तीन बटे दो। अब कॉस सी या नेगेटिव साइन सी, कॉस सी और साइन सी दोनों निकालेंगे, अब साइन सी के लिए निष्पत्ति का अनुपात तो वही रहेगा, लेकिन ये लंब और करण दोनों बदल जाएंगे, तो साइन सी के लिए लंब बटे करण ही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन ये सी के लिए लंब ये हो जाएगा और करण यही रहेगा, तो लंब बटे करण फॉर्मूले वही है लेकिन थोड़ा बदलाव है इसमें, तो लंब कितना है इसमें ए बी, अब लंब कौन सा हो जाएगा ए बी बटे ए सी, ए बी की वैल्यू है अंडर रूट तीन बटे ए सी, तो इसी प्रकार कॉस सी निष्पत्ति का अनुपात वही आधार बटे करण, अब आधार की वैल्यू बदल जाएगी, आधार की वैल्यू क्या हो जाएगी बी सी, बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी, बी सी का मान वन और ए सी का मान टू, अब ये चारों मान आ गए हमारे, तो समीकरण बदल दीजिए, इसलिए साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, अब इसका मान निकालना है, इसके मान रख दीजिए साइन ए का मान एक बटे दो मल्टीप्लाई कॉस सी एक बटे दो प्लस कॉस ए अंडर रूट तीन बटे दो और साइन सी अंडर रूट तीन बटे दो। अब देखिए एक बटे दो का एक बटे दो मल्टीप्लाई कर लिया तो एक बटे चार प्लस रूट थ्री का रूट थ्री में तो ये थ्री बाय टू टू फोर तीन बटे चार दिया गया, अब एक बटे चार और तीन बटे चार को हमने जोड़ लिया एक प्लस तीन तो ये आ गया हमारा चार बटे चार, चार बटे चार को हम वन लिख सकते हैं फोर बन जाए, आंसर कितना आ गया इसका वन। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू इनका मान कितना आया हमारा एक आया। तो इसी तरह से और क्वेश्चन से आप ट्राई करना। थैंक यू।